अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर आप दोस्तों को हमारे चैनल में खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो के जो टॉपिक है वो पीटीएस की वेबसाइट पर जो वापडा में वैकेंसियाँ अनाउंस हो चुकी है, इसके बारे में आप दोस्तों के साथ एडवर्टाइजमेंट शेयर करने वाले हैं। तो आप सबने आने वाले हजरात से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की जानिब। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी पीटीएस का जो वेबसाइट है उसको ओपन किया हुआ है। इस वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दोस्तों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं इसमें से नीचे आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल जॉब टेस्ट क्राइटेरिया, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसमें से दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल प्रोजेक्ट्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर वापडा की जो वैकेंसियाँ अनाउंस हो चुकी हैं ये आप देख सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसके एडवर्टाइजमेंट को आप रीड करने के लिए यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो दोबारा से मैं आपको तरीका दिखा रहा था। इसी तरह आप इसको डाउनलोड करके दोबारा इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एपीएस स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और 16 स्किल हैं, 14 पोस्ट है। एजुकेशन क्राइटेरिया को आप यहाँ पर देख सकते हैं, बी ए बी एस सी सेकेंड क्लास फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम स्पीड ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको लाजमी होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। और ये 85-80% जो टाइपिंग स्पीड है वो मांग रहा है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और एज की जो रिक्वायरमेंट्स है 18 से 30 हैं, डिस्ट्रिक्ट डेमर गिलगित बल्तिस्तान, प्रोविंशियल एरिया जो है वहाँ के लिए ये वैकेंसी। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से आप सीरियल नंबर 2 पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट की वैकेंसी भी अवेलेबल है, 15 स्किल है, 5 वैकेंसी है, ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। अगर आपके पास डिग्री ह्यूमैनिटीज़ की भी हो तो चलेगा, साइंस कॉमर्स कंप्यूटर साइंस सी ग्रेड 50% मार्क, करंट पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस वर्ड एंड एमएस पावर पॉइंट में आपको नॉलेज लाजमी होना चाहिए। इसी के साथ इंटरमीडिएट ह्यूमैनिटीज साइंस कॉमर्स कंप्यूटर सी ग्रेड 50% मार्क्स, 10 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिन क्लरिकल जॉब्स। और इसकी जो एज की रिक्वायरमेंट्स है 18 से 30 है, डिस्ट्रिक्ट डेमर गिलगित बल्तिस्तान, तो प्रोविंशियल एरिया जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है। और सीरियल नंबर 3 पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और 14 स्किल है, 17 वैकेंसियाँ हैं। इसी के साथ एजुकेशन क्राइटेरिया पर आप यहाँ पर देख सकते हैं बी ए बी एस सी एंड सेकेंड क्लास रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम स्पीड ऑफ कंप्यूटर 60 WPM इन शॉर्ट हैंड, 40 WPM इन टाइपिंग, सर्टिफिकेट इन एमएस ऑफिस इंटरनेट वगैरह का नॉलेज आपको लाजमी होना चाहिए। और इसकी भी जो एज की रिक्वायरमेंट्स है वो 18 से 30, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 4 ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी भी इसमें अवेलेबल है, 13 स्किल है, 6 वैकेंसियाँ हैं, 2 ईयर पोस्ट मेट्रिक डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड विद बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, 18 से 30 साल इसकी भी एज रिक्वायरमेंट्स है, गिलगित डेमर गिलगित बल्तिस्तान के लिए। और सीरियल नंबर 5 पर आप देख सकते हैं एस आर क्लर्क, 11 स्किल है, 17 वैकेंसियाँ हैं। एजुकेशन पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट ह्यूमैनिटीज साइंस कॉमर्स कंप्यूटर सी ग्रेड 50% मार्क्स, करंट पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस वर्ड एंड एमएस पावर पॉइंट, मैट्रिक सी ग्रेड 50% मार्क्स, 10 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिन क्लरिकल जॉब्स, करंट पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस वर्ड एंड एमएस पावर पॉइंट, 18 से 30 साल इसकी भी एज रिक्वायरमेंट्स है, डिस्ट्रिक्ट डेमर गिलगित बल्तिस्तान के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं जूनियर क्लर्क की वैकेंसी भी है, कंप्यूटर टाइपिस्ट असिस्टेंट की भी है, सब इंजीनियर सिविल एसआर क्लर्क। तो इस एडवर्टाइजमेंट को आप रीड कर सकते हैं, जूनियर क्लर्क कंप्यूटर टाइपिस्ट, और काफ़ी सारी वैकेंसियाँ इसमें अवेलेबल है। दोस्तों, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आप इसके इंस्ट्रक्शन को भी रीड कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो अप्लाई का है वो 8/10/2020 है, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको पीटीएस की वेबसाइट पर यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने सिंपली एनएससी और पासवर्ड को एंटर कर देना है। और अगर आपने प्रोफाइल नहीं बनवाया तो आपने न्यू यूज़र के लिए आपने रजिस्टर हेयर यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर आपने प्रोफाइल बनवा देना है। इसके बाद आपने CNIC और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर एंटर होना है, तो जिस पोस्ट को आप एलिजिबल हो उसको आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो लास्ट डेट है अप्लाई का वो 8/10/2020 है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी।
पसंद आएगी तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके। इसी के साथ दीजिए अपने भाई को इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।